होली महोत्सव यानी भाईचारे का प्रतीक, मेल मिलाप का पर्व, एक ऐसा पर्व जिसमें दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे से गले मिलकर गुलाल लगाया जाता है, रंगों की बरसात होती है। उत्साह व उमंग भरे इस पर्व को हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, पर क्या इस पर्व से भी बढ़कर कुछ है जिसे हमें न चाहते हुए भी अपने जीवन का हिस्सा मानना पड़ रहा है? आखिर क्या है वह चीज? हमारी जान। जी हाँ, जान। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो क्या इस साल होली मनाते हुए किसी आपदा को हम अपने घर ले आए तो क्या यह पर्व मनाना सही है? क्या हो अगर इस साल भर के त्यौहार को हम आपदा के चक्कर में व्यर्थ जाने दें? बिल्कुल नहीं, और हम करेंगे भी नहीं। पर हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे यह त्यौहार मना सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यह पर्व तो हमें हर वर्ष मिलेगा, मगर यह जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इस पर्व के हर्षोल्लास में अपने जीवन को खतरे में न डालें और इस पर्व को मनाते वक्त अपने जान की भी परवाह करें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पर्व को मनाएं। रंग और गुलाल तो हमें वर्ष भर मिलता रहेगा, लेकिन अपनी जान की हिफाजत करने का मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए होली जरूर मनाएं, लेकिन अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करते हुए, सरकारी नियमों का पालन करते हुए। सभी दुश्मनों से बढ़कर होता है जान का दुश्मन, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे हम हर वर्ष दुश्मन को भूलकर हम त्यौहार मनाते हैं, परंतु इस वर्ष हम कोरोना नामक दुश्मन को ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाएंगे। आइए खुद बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। इस होली पर्व को सुरक्षित तरीके से मनाएं, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। ये ना भूलें कि अभी हम सुरक्षित दौर से नहीं गुजर रहे हैं, इसीलिए पर्व की हंसी खुशी को कायम रखते हुए इस पर्व को मनाएं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, इस साल होली अवश्य मनाएं, लेकिन अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर करें। आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली।